25,000 का इनामिया पुलिस के मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी जीप में प्रयागराज के इनामिया कुख्यात गौ तस्कर माबूद अहमद को चरवा थाना क्षेत्र में पुलिस से मुठभेड़ हो गई। माबूद की गैंग ने पुलिस पर फायर किया, जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। इसमें गोली लगने से इनामिया तस्कर घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी पकड़ा गया। घायल को अस्पताल भेजकर पुलिस ने पकड़े गए साथी से पूछताछ शुरू कर दी है। प्रयागराज के धूमनगंज के भीटी पीपलगांव निवासी माबूद अहमद कुख्यात पशु तस्कर है। इसके खिलाफ प्रयागराज व कौशाम्बी के थानों में तस्करी की रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन ये पुलिस के हत्थे नहीं चल रहा था। इस पर इसके खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। माबूद के साथ ही मैकन के खिलाफ भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। एक हफ्ते से दोनों चरवा क्षेत्र में ही टिके थे। पुलिस को जानकारी हुई कि अरई सुमेरपुर गाँव के बाहर दोनों इकट्ठा है और गोवंश की तस्करी कर रहे हैं। सूचना पर सीओ चायल केजी सिंह और चरवा थाने की पुलिस ने इनको घेर लिया। पुलिस को देखकर दोनों ने फायर झोंक दिया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया। पुलिस की गोली से माबूद घायल हो गया, दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि मैकन को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। दोनों के कब्जे से तमंचा बरामद किया। मौके से एक गाय बरामद की गई। पुलिस ने अधिकारियों को सूचना दी। मुठभेड़ होने की वजह से आसपास के गांव के लोग वहां पहुंच गए थे। इस पर सीओ ने सूचना देकर पीपरी और पुरा मुफ्ती थाने की पुलिस को मौके पर बुलाया। इसके बाद घायल को इलाज के लिए SRM प्रयागराज ले जाया गया। क्या घटना हुई है, किससे मुठभेड़ हुई है, किस चीज का आरोपी था? थाना चरवा में गौवध अधिनियम का मुकदमा लिखा गया था, उसमें कुछ लोग वांटेड थे, तो जिसमें चरवा पुलिस से आज मुठभेड़ हुई है वहीं सरियावा के जंगल में। वहाँ पर इसका नाम, एक का नाम महमूद अहमद है और दूसरे का नाम माइकल है। एक व्यक्ति गिरफ्तार है और महमूद अहमद को गोली लगी है और उसको दोनों के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इनके ऊपर कितने मुकदमे करीब होंगे? ये गौवध का शातिर अपराधी था और एक हफ्ते सप्ताह पहले लगभग इसमें मुकदमा लिखा गया था, जिसमें मौके से 3 पशु के शव सिर मिले थे और इसमें तभी से पुलिस तलाश कर रही थी। और आज जब इसने कोशिश किया गया इसको गिरफ्तार करने की, तो पुलिस ने फायर किया, जिस पर इसको एक आदमी को गोली लगी और एक मौके पर गिरफ्तार हुआ।